आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। संत सिंगाजी धाम मेला ग्राउंड में 8 नवंबर से चालू होने वाले 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव की तैयारियों के लिए पहुंची जिला पंचायत सीईओ। संस्कृति विभाग भोपाल के द्वारा निमाड़ उत्सव महेश्वर में किया जाता है, लेकिन इस साल संस्कृति विभाग के द्वारा पहली बार निमाड़ की धरती पर खंडवा जिले मांधाता विधानसभा हरसूद जनपद की ग्राम पंचायत सिंगाजी, जहां पर निमाड़ के निर्गुणी संत सिंगाजी महाराज का समाधि स्थल मेला ग्राउंड पर 8 नवंबर से चालू होने वाले 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खंडवा जिला पंचायत सीईओ नंदा भलावे यहां पहुंची और तैयारियों का जायजा लेकर बचे हुए काम को पूरा करने के निर्देश दिए और बोली, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये कार्यक्रम निमाड़ उत्सव हमारे जिले में हो रहा है। क्षेत्र की जनता आगे आए, यहाँ आने वाले कार्यक्रम करने वाले कलाकारों का उत्साह बढ़ाए, कार्यक्रम को सफल बनाए। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। ये निमाड़ उत्सव जो हो रहा है पहली बार हो रहा है, तो कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर? संत सिंगाजी ग्राम पंचायत में पहली बार आयोजन कर रहे हैं संस्कृति विभाग द्वारा, जिसमें कई सारी कलाओं की प्रस्तुति होगी, निर्गुण गायन होगा, कोरियोग्राफिक प्रस्तुति होंगी। इससे पहले ये महेश्वर में आयोजित होता था, पहली बार हम इस उत्सव को निमाड़ के कस्बों गांवों और इन जगहों पर कर रहे हैं। तो पहली बार संत सिंगाजी समाधि स्थल पर ये प्रस्तुतियां होने जा रही हैं और हम अपील करते हैं यहाँ के आसपास के रहवासियों से कि इस आयोजन का हिस्सा बने और यहाँ पर होने वाली प्रस्तुतियों का आनंद लें और अपनी कला और संस्कृति को नज़दीक से जानें। कितने बजे से कितने तक होगा ये आयोजन? ये रोजाना 7 बजे से होगा और जिसमें कई सारे नृत्य हैं, जनजातीय नृत्य हैं और कोरियोग्राफी प्रस्तुति हैं, तो कई लोगों को लाभ मिलेगा, लोगों को अपनी कला संस्कृति देखने का एक मौका मिलेगा। आपका नाम और परिचय? मैं विकास तिवारी, कार्यक्रम समन्वयक निमाड़ उत्सव सिंगाजी में। यहाँ सिंगाजी मेला स्थल पर निमाड़ उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 8 तारीख से 10 तारीख तक यहाँ पे आयोजित होगा और इसमें मध्य प्रदेश के जो स्थानीय कलाकार हैं, जो लोक कलाएं हैं, उनका प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें गायन होंगे और जनजातीय नृत्य होंगे, उनका प्रदर्शन यहाँ किया जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं यहाँ आसपास की जनता को अपील करना चाहूंगी कि यहाँ आएं और इस आयोजन का आनंद लें।